कैसे हैं आप और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, बट इसका रीजन ये है कि वीडियो बनाने का आज मैं रात को वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने काम का अपना शुरू कर दिया है जो मैं करना चाहती थी, अपना खुद का बिजनेस करना चाहती थी, तो मैंने उसके प्रोसेस को करना शुरू कर दिया, तो उसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसलिए टाइम की वजह से टाइम की कम बरकत थी मेरे पास और अकेले ही सारी चीज़ों को कर रही हूँ, तो इसको फेस करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उस दिक्कत के साथ ही मैंने इसको चैनल को भी नहीं कर पाया, मतलब वीडियो नहीं बना पाया, बट आज मुझे समय मिला तो मुझे लगा कि मैं मुझे कर लेना चाहिए, इसलिए करने लेना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स यार मेरा चैनल का ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके ट्रू करने को चाहिए और मेरा लॉस होगा, तो मुझे इसलिए इसको अभी इस टाइम ही करना है। और मुझे मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मैं 2-4-5 वीडियो अभी करूँ, इसलिए करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा था और वो लॉस हो जाएगा, बिल्कुल लॉस हो जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। साथ ही दिक्कत के साथ साथ फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत दिल से, पहली बात तो भगवान को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरा टाइम बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बट उन मुश्किलों को फेस करने के लिए भगवान मुझे हिम्मत दे और मैं इस मुश्किलों का सामना कर पाऊँ, मुझे बहुत सारी हिम्मत दे, ईश्वर मेरा साथ दे। आप लोग का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ही मुझे ज़रूरत भी है, मेरी मुझे इसकी नीड है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे दिल से दुआ करें मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूँ, और मेरे घर पे बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इस तरह की, और मेरा घर भी मैंने खुद बनाया था लेकिन वो मेरा घर मेरी सीढ़ी जो मैंने बनाई हुई थी मेरे घर पे ऊपर जाने के लिए, सो वो गिर चुकी है बरसात के कारण, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। इधर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, मम्मी को भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, और इस काम के तौर पे मेरे चच्चू के को भी एक जानवर ने काट लिया है, तो पागल था वो, उसके लिए इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो सासू माँ है वो अकेले हैं, मेरे ससुर जी की मतलब डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ पे भी घर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वहीं के लिए मैं बता रही थी कि मेरा घर का जो मेरी सीढ़ी थी सारी गिर गई है बरसात की वजह से। अब मैं इस काम को देखूँ या उस काम को देखूँ, मुझे ये लग रहा है कि मेरा लक्ष्य है जो मैं उसको पाने के उसमें इसके चक्कर में नहीं खोना चाहती, क्योंकि अगर वो सही रहा तो सब कुछ सही होगा और सीढ़ी तो दोबारा भी बन जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दिल से सपोर्ट करें, लाइक मैं भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, काम कर पाऊँ और सारी चीज़ों को फेस कर पाऊँ। अभी पता नहीं कि कैसा क्या होगा, बट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान हमेशा सब पे मदद करते हैं तो मुझ पे भी मदद करेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद कर भी रहे हैं, क्योंकि हमें समझ भी नहीं आता, बट जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा एहसास होता है कि हमारे साथ भगवान का हाथ है, और ईश्वर पता नहीं कितनी परीक्षाएं ले रहा है और क्या से क्या कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ है और ये बता पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जिस तरह से कि एक खाई से कूदने के बराबर, और जैसा भी आप सोचो तो इस तरफ कुआ और उस तरफ खाई, सो ये जो कहावत आपने सुनी होगी वही हाल है, बट मुझे इन दोनों को पार करना है और कुछ रास्ता निकालना है, और उसके लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है मैं इसको गंवाना नहीं चाहती। इससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार वो ईश्वर है मेरे लिए जो मेरा इस मुश्किल समय में मेरे साथ देते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए भी इतनी दुआ करें कि उन्हें सारी खुशी हर चीज़ मिले और वो हमेशा ही खुश रहें, और मैं उनका
ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एहसान है और मैं इसको कभी भी किसी भी बात पे इसको कभी नहीं भूल सकती, चाहे कितनी भी कैसी भी गलत और सही बात भी हो फिर भी मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। और इसकी मैं पीठ पीछे ही तारीफ करूंगी, सामने नहीं कर सकती, बट सामने भी करूंगी तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये तारीफ के काबिल नहीं है, बट की तारीफ से भी बहुत ज़्यादा, मतलब जितना कहूँ कम है। तो मैं उन महान व्यक्ति नहीं, उनको भगवान ही कहूँगी, तो वो मेरे भगवान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फील हो रहा है। अच्छा बस क्या कहूँ मैं, ठीक है बस इतना ही बोल रही हूँ।